सुबह सुबह की जो भूख होती है ना दोस्तों, उस टाइम इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है कुछ चटपटा और टेस्टी सा नाश्ता मिल जाए कि बस दिन ही बन जाए। तो मैं चली गई किचन के अंदर ढूंढने के लिए कि आज क्या बनाऊँ ब्रेकफास्ट में। सोचा मैगी ट्राई कर लूँ, पर मैगी को देखा तो मैगी घर में थी ही नहीं। सारा मूड ही ख़राब हो गया। जितने ही थोड़ा बहुत ढूंढा ढूंढा तो मुझे मिल गया मैगी मसाला मैजिक। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी को यूज़ करके मैगी के फ्लेवर का कुछ हेल्दी नाश्ता बनाए। तो मैं ले आई ओट्स। ठीक है दोस्तों, मैगी नहीं तो ओट्स ही सही। हमें हेल्दी खाना है सुबह सुबह, तो मैं चलती हूँ ओट्स बनाने की तरफ। तो ये देख ली, मैंने यहाँ पे ओट्स ले लिया है और सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैगी मसाला है मैजिक, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने सभी वेजेस को ले लिया है और मेरा फेवरेट मसाला है मैजिक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑयल ले लेंगे थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा। उसके बाद हम ऐड कर देंगे हमारी जीरा और वेजिटेबल्स, जो जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है, हरी भरी सब्ज़ियाँ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हम इसको जितना हेल्दी बनाना चाहते हैं उतना हेल्दी हम इसको बना सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें अनियन ऐड कर दिया है और मेरे हिसाब से मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं। ये देखिए, अनियन को ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा शैलो फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। सभी वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राई कर कर मसालों के साथ अब हम इसमें ऐड कर देंगे ओट्स। मैं यहाँ पे लगभग एक कटोरी ओट्स ले रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिलाकर। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लगभग एक गिलास पानी, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए ढककर इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। जब कभी भी छोटी मोटी भूख लगे तो झटपट से ये बनकर तैयार हो जाता है और हमारा पेट बिल्कुल भर जाता है। ना तो कोई सब्ज़ी बनाने की झंझट, ना ही कोई आटा या रोटी बनाने की झंझट। तो दोस्तों इसको बनाएं, खाएं और एंजॉय करें, चाहे ब्रेकफास्ट में, चाहे लंच में या डिनर में। सुपर हेल्दी और टेस्टी मसाला मैजिक किचन की तरफ से आप सभी के लिए मसाले ओट्स की रेसिपी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट the like button or share with your friends and family। और आप भी इसको बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी आज की कैसी लगी। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन एंजॉय, खाओ पियो मज़े करो दोस्तों। बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। इसमें मैं थोड़ा सा गार्निश कर लूँगी पनीर, जिससे इसका जो टेस्ट है वो और भी निखर के आ जाएगा। ये देखिए, मैं तो चलती हूँ इसको एंजॉय करने की तरफ और आप भी बनाएं और सभी को खिलाएं।